पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। इसका राइट आंसर है ए 900 अरब डॉलर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर है डी जापान। तीसरा क्वेश्चन है, फार्मूला वन के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है बी लुइस हैमिल्टन। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया। तो दक्षिण कोलकाता में निधन होने वाला निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता है ए, इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ गुहा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है। फिर छठा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत दे दी है। तो इसका राइट आंसर है ए तमिलनाडु। फिर सातवां क्वेश्चन, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व अल्पसंख्यक जो दिवस है उसको 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी है 18 दिसंबर। फिर आठवां क्वेश्चन, हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है। तो इसमें से राइट आंसर डी है भारत। इसका राइट आंसर भारत है।